को रोकने का। सेवन शोर का स्क्वाड जाता हुआ नजर आया, एक बार फिर से स्प्रे और एडमिनो गाड़ी फूटेगी। टाइगर को नॉक किया गया है, जल्दी कन्वर्ट करना चाहेंगे कहीं और पीछे से 2B4B का स्कोर। और यहाँ पे ऑटोबॉट्स को भी शट डाउन करती हुई नजर आई 2B4B। गॉडलाइक से एक नॉक इनकर किया था, वहां से सेफ रहे और अब आके सीधा ऑटोबॉट्स को शट डाउन कर दिया इस टीम ने। बट आप देखिए वही थर्ड पार्टी हमें आती हुई देखने को मिल रही है, रोटेशन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट। टीम गॉडलाइक को पता चल चुका था कि यहाँ पे जो हालात है वो हमारे कंट्रोल में आ सकता था और एक ग्रेनेड एलिमिनेट कर दिया गया, कोशिश काफी बेहतर। तो पहले इस अकेले खिलाड़ी को डील कर लेते हैं, अदरवाइज जेले के ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। इसी बीच जेली ने मूपन को डाउन कर दिया है, राइट टू वे कंफर्मेशन भी आएगा जेली का, वो कनेक्शन क्रिस्प कनेक्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ पे चार फिनिशेस ये के खाते में आएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी इनके साथ दो और खिलाड़ी जीवित है तो अपने गेम को अंत तक लेके जा सकती है ये टीम। लेकिन सर्कल में आना वो चैलेंजिंग हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़े उनके ऊपर वो स्प्रे और साथ ही साथ ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है। पोजिशन पता है, थ्रो यहाँ पे किया गया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, कुछ और ग्रेनेड यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन इन्होंने अपनी बैटल को यहाँ पे जीता और उसके बाद वो ग्रेनेड आसान सा और एक आसान सा चिकन डिनर भी निकालने में कामयाब हुए। अभी तो चार टीमें बची थी। लेकिन तो क्या आप BGMI टूर्नामेंट्स खेल के रोज 50,000 जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट एंड तक देखना। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग का 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड है और 8 करोड़ की विनिंग बढ़ चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि यह आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। और इस ऐप में कस्टम रोम की जरूरत नहीं है, बस अब अपना क्लासिक रैंक मैच खेलो जैसे रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटीड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दे रखा है, अब वहाँ से डाउनलोड करो और आपको 600 का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो अभी साइन अप करो, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात तो यह है कि आप जो भी पैसे जीतते हो वो आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और कोई भी UPI ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विथड्रॉल कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 50,000 डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दे रखा है। इकलौता ऑप्शन भी था जो टीम गॉडलाइक के पास मौजूद था, बट आपने ग्राइंड वन ई-स्पोर्ट्स की बात की, अभी वो सर्कल के बाहर है बट उनकी परफॉर्मेंस भी मीडिया 2023 में अच्छी देखने को मिली थी। मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था कि ऑटोबॉट्स के साथ इट माइट बी पॉसिबल कि वो फाइट हमें देखने को मिल जाए। टाड़ी ऑलरेडी सर्कल के एज पर है और शायद अब बाकी के प्लेयर्स भी आगे जाते हुए नजर आए। अब टीम गॉडलाइक का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही राउंड द सर्कल रोटेट करते जाएंगे तो और भी टीम्स है जो उनका इंतजार कर रही है वहां पर। कुल मिला के मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऑटोबॉट तो मानो पीछे पड़ गए, वो सर्कल के बाहर से रोटेशन कर रहे हैं, ऑटोबॉट सर्कल के अंदर से रोटेशन कर रहे हैं और कुल मिला के इनका टारगेट है कि उनको सर्कल ना अंदर आने दिया जाए। इसमें वो लगभग कामयाब हो गए क्योंकि एक और खिलाड़ी का वहां पे हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सर्कल के अंदर अभी भी टीम गॉडलाइक का पहुंच पाना लगभग असंभव ही रहने वाला है, उनको फाइट्स वो लेनी ही पड़ेंगी। और लोग का वो ग्रेनेड उन्होंने स्पॉट कर दिया है ऑलरेडी सिम को और जो फिनिश है वो भी सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। अब एडमिनो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी और वो अकेले आगे जाते जा रहे डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत कम HP पे वो है जरूर। और ये लीजिए चलते चलते ही ऑटोबॉट ने तीनों खिलाड़ियों को डाउन किया और इसी के साथ टीम गॉडलाइक एक अर्ली एलिमिनेशन की शिकार, पीछे पड़ गए। और ऐसे में आप सर्कल का जीवन का स्क्वाड अब ये भी रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, हल्का फुल्का ब्लू जोन का डैमेज लिया एंड फाइनली दे विल एंटर द सर्कल। लेकिन इसी बीच गॉडलाइक वहां पे गेट कीप करने के लिए मौजूद थी, जोनाथन ने वहां पे फायदा उठाया एंड नाउ सर आती हुई जीवन की तरफ पुश कर रही है। जीवन के बचे हुए खिलाड़ी फॉल बैक कर रहे हैं और वहां पे अभी भी रिवाइवल की प्रक्रिया पुश कर चुके हैं। चलिए अब इन्फो मिल चुकी है गॉडलाइक को, जेली रोकना चाहेंगे गाड़ी, लेकिन ये देखिए करण के पास मौका था, उन्होंने गन शॉट्स भी नहीं लिए वहां पे, बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला यहाँ पे। जी हाँ, और अब एक एक करके जो प्लेयर्स है उनको डाउन किया जाएगा। जीवन के मात्र एक खिलाड़ी बचते और वो भी वो है जो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। देखना ये कि वो ब्लू जोन में जहाँ जा रहे हैं वहां पे तो ऑलरेडी वो फिनिश ऑफ होंगे ही, उनके पास और कोई मौका बचेगा नहीं। अपने आप को हील करते करते वो आगे बढ़ जरूर रहे और देखना ये है कि क्या वो बच के यहाँ से निकल पाएंगे। बट दिस इज द टीम गॉडलाइक जो हम लगा के बैठे थे और फायदा उठाया, बट इसी बीच पूर्वी का स्क्वाड यहाँ पे डाउन किया गया है खिलाड़ी को। अपसर्ज नजर आते हुए तो फिनिश इनके खाते में है, लेकिन चलिए अपनी टीम को तो बचा लिया जाएगा। पीछे से स्प्रे दिया और अच्छा खासा स्प्रे ट्रांसफर, एलिमिनेशन वहां पे देखने को मिला। लेकिन अब टीम गॉडलाइक ये भी एक कंफर्टेबल स्पॉट पे है, बट अब यहां से आगे का सफर, चिकन डिनर तक का सफर, ये कठिनाइयों से भरा रहे जरूर है। मीनवाइल जॉनसन की बात करें वो ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, एक नॉक निकाला गया। लेकिन वहीं डिफीन की बात करें उन्होंने जॉनसन को डाउन किया है, टोनी वो आखिरी खिलाड़ी जो सरवाइव कर रहे थे उनका भी सफाया।
जिस प्रकार रिप ने क्लोज इन किया और पीछे से घात लगा के शिकार किया, वैसे मुझे लगता है कि ऑटोबॉट्स के ऊपर भी करना चाहते थे, बट द गाइज वर देयर, उन्होंने तुरंत उस चीज से डील किया। लेकिन अब ऑटोबॉट फिर से लेके जाते हुए मान गए जीएलए के स्क्वाड को, लेकिन अभी के लिए टीम गॉडलाइक पे फोकस करें तो सिंप अभी डाउन है, 12 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के खाते में आ चुके हैं। पिछला मुकाबला बड़ा नहीं गया, इसीलिए सैनहॉक में फुल ऑल इन जा रही है ये टीम। सिंप अनफॉर्चुनेटली रिवाइवल हो नहीं पाया, लेकिन अभी भी तीन खिलाड़ी मौजूद हैं और इस बार जेली अब भी मौजूद नजर आते हुए। एडमिनो विद 6 फिनिशेस इन द पॉकेट, सर्कल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। और जहां पे थर्ड पार्टी करने का मौका मिल रहा है वो थर्ड पार्टी भी कर रहे हैं, फायदा उठा पाएंगे, क्लोज इन करेंगे, लेकिन पीछे से ये कवर फायर, दैट्स द रीजन एडमिनो इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट प्लेयर्स आउट देयर। वापस से वो रीसेट गॉडलाइक को मिल जाएगा। आप सपोर्ट प्लेयर उनको कह रहे हैं, 8 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके और क्या बढ़िया जो फायर पावर है वो कैरी करते हैं। अभी के लिए 14 फिनिशेस हो चुके हैं टीम गॉडलाइक के, जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखना ये कि चिकन डिनर क्या वो उनके पास जाएगा, लेकिन जोन का ये शिफ्ट वो मुश्किलें बढ़ाने वाले, और अब एक 3v3 की जो फाइनल बैटल है वो हमें देखने को मिलने वाली है। टीम जीरो ऑलरेडी सर्कल के अंदर है, मारियो की बात करें उन्होंने एडमिनो को स्पॉट किया जरूर है, वो नॉक निकाल सकते हैं, ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया एडमिनो, चलिए उनको भी डाउन किया जाएगा, बट फाइनली एक पलटवार आएगा जेली की तरफ से और अब एक 1v2 की सिचुएशन, बट नियो वो रिवाइवल को एग्जीक्यूट करते हुए। Godlike Admino is down, लेकिन अब भी दो खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ देखिए जेली पुश कर सकते थे, जोनाथन पुश कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए रिवाइवल को प्रायोरिटी देते हुए। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम जोनाथन की बात करें, स्लोली स्लोली टीम जीरो के ऊपर क्लोजिंग करते हुए, टीम जीरो को भी काइंड ऑफ वो रिक्वायर्ड रीसेट मिल चुका है। ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे जोनाथन सामने की तरफ, क्या ये ग्रेनेड सही जगह पे जाएगा, स्प्लैश डैमेज जरूर दिया यहाँ पे, लेकिन अभी भी वो ग्रेनेड लीथल साबित नहीं हुआ है। दो खिलाड़ी सामने की तरफ, जोनाथन एक अच्छी एम्बिशियस अप्रोच, लेकिन दूसरी तरफ से जेली का ये ग्रेनेड कमाल करेगा, नियो नजर आते हुए, लेकिन अब इट्स गोना बी अ 1v3 सिचुएशन एंड टीम गॉडलाइक डज इट अगेन। पहला मुकाबला इरांगल का एक। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।